परम शांति सभी को। मैं आज कुछ इंस्पिरेशन के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि आज बेहद की आत्माएं जो हैं वो अपना समय किस तरीके से पास करते वो उनको पता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो खुशी मिलती है हमारी खोज से मिलती है। जो हम खोज रहे हैं, जो दुनिया तक ज्ञान पहुँचाने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। हम इंस्पिरेशन के ये दो शब्द इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन ये मिली कि जब मैं नया ढूंढता हूँ, अभी आज मंगल पे जीवन है उसके बारे में, प्लैनेट्स के ऊपर जीवन है उसके बारे में, जब मैंने आज बापूजी का वीडियो बनाया तो इतनी मुझे खुशी हुई कि ऐसे हज़ार वीडियो अगर हमारे पास हो तो दुनिया में ज्ञान अपने आप ही लोग ढूंढते ढूंढते हमारे पास अपने आप ही पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए हम, जैसे बापूजी ने बोला, 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपना जॉब ड्यूटी नौकरी करो, तो जो 8 घंटे आपको ज्ञान और योग करना है उसमें से आप अपने 8 घंटे में से 90% जो है उसमें लगाओ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सलमान खान जो है वो अपनी कमाई का 90% जो है डोनेट करता है, लोगों को दुखी दर्द वाले जो लोग हैं उनका फ्री में ऑपरेशन करवाता है, उसके फादर सबको डोनेशन करते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो 8 घंटे ज्ञान योग के लिए जो हमें लगाना है उसमें आप 1 घंटा कंपलसरी योग करो ही करो, वो तो अपने लिए है, लेकिन जो बाकी का समय है वो नए ज्ञान को बाहर निकालने के लिए उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए मेहनत करो, लिंक शेयर करने के लिए टाइम निकालो, और ऐसा समय आपको निकालना ही पड़ेगा। स्टीवन हॉकिंग जैसे अपाइज व्यक्ति भी अपने जीवन का 76 ईयर जिए क्योंकि उनके पास वो इंस्पिरेशन लोगों को देते थे, उनके पास वो एनर्जी पैदा होती थी, उनके पास भी एलियन की उनका कनेक्शन था, वो शक्तियाँ उनको मिलती थी। तो जब हम अपनी एनर्जी का 90% जो है हम परमात्मा के काम के लिए लगाएंगे तो 100% वो एनर्जी हमें आएगी, हमें जिंदा रहने की शक्ति मिलेगी, हमें नए खोज करने की शक्ति मिलेगी और इतना इंस्पिरेशन मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो खुशी है वो हमारे अंदर है, हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, सिर्फ परमात्मा को याद करने के लिए और लोगों तक विश्व कल्याण के वाइब्रेशन करने के लिए। देखो, कभी भी कोई काम का हमें थकान नहीं होता, हमें काम करने से संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बिल्कुल ऐसी तरीके से आप नई खोज करिए, एंशंट एलियन के हर एपिसोड ढूंढिए, इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जब वो हमारे, क्योंकि बेहद की आत्मा इतनी ज्ञानी है, जब वो ज्ञान के एपिसोड सुनेगी तो उसके अंदर की अंदर से वो ज्ञान का कनेक्शन खुलेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो हम दुनिया तक शेयर कर पाए, ऐसी ऐसी बात जो हम दुनिया तक पहुंचा सके, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो अपने समय का 90% जो है वो इस काम में लगाओ, विश्व कल्याण के लिए लगाओ, क्योंकि जब हम वापस जाएंगे तो परमात्मा भी पूछेगा कि भाई तूने अपने 90% किसके लिए लगाया समय, तब हम क्या जवाब देंगे। ठीक है, अपनी जॉब ड्यूटी भी करनी है, कर्म बंधन भी पूरे करने हैं, कर्मातीत अवस्था में रहना है, पर इंस्पिरेशन आपको तब मिलेगी जब आप किसी को इंस्पिरेशन देंगे, जब विश्व कल्याण के लिए अपना समय, शक्ति, एनर्जी, बुद्धि, समय सब लगाएंगे तब आपको वो शक्तियाँ भी मिलेगी। तो सिर्फ आपको करना ये है कि अपने समय का जो ज्ञान अभी दुनिया तक नहीं पहुँचा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे हज़ार वीडियो बने जो लोग दुनिया तक हमारा ज्ञान स्वतः ही पहुंच जाए, क्योंकि YouTube ऐसा माध्यम है कि एक बार आपके कंटेंट में दम होगी तो अपने आप ही ये दुनिया तक पहुंच जाएगा, लोग अपने आप खोज लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी बाकी है बनाने, हम खोज रहे हैं, नए टॉपिक ढूंढ रहे हैं दुनिया तक पहुंचने के लिए। जब हमारा मटेरियल इतना रेडी हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आज आपको जान के ये खुशी होगी कि 18 जनवरी के बाद इंग्लिश के वीडियो बनाने शुरू किए और करीबन 30 वीडियो जो इंग्लिश डब तैयार भी हो गए, कितने लोग हमें हेल्प कर रहे हैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए और आगे इसको डब करने के लिए। ये देखो, ये सब अपनी तरफ से जब मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा और आने वाले समय में हम इतना काम करेंगे, इतना ज्ञान फैलाएंगे दुनिया तक कि दुनिया को मजबूरन ये सुनना ही पड़ेगा, और तब जो है उनके अंदर, क्योंकि आज दुनिया को सच मार्ग बताने वाला कोई नहीं है, जब ये ज्ञान सुनेंगे समझेंगे तब उनकी धीरे धीरे उनके अंदर से, उनका जैसे ही बापू जी का चेहरा उनके सामने जाएगा, उनके अंदर की नेगेटिविटी कम होनी शुरू होगी, उनको धीरे धीरे बात को समझ
में आने लगेगा, उनको शक्ति मिलेगी, हमारे वाइब्रेशन फैलना शुरू हो जाएंगे, दुनिया तक पहुंचेंगे, परम शांति को लोग ढूंढेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो 100% ज्ञान पहुंचना ही पहुंचना है। बस बेहद की आत्माओं को अपने अंदर खुशी पैदा करनी है, वो आएगी आपकी खोज से, आपको नई चीज़ खोजनी है, नया ज्ञान ढूंढ रहा है, दुनिया तक कैसे पहुंचे, कौन सा टॉपिक अच्छा है। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई अच्छा कोट मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लोकल नहीं, फॉरवर्डेड नहीं, जो हम एक दूसरे को सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, ऐसे नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कोट हो, कोई वीडियो हो, कोई लिंक हो, तो ऐसी हमें ईमेल करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग भी इस पे ऊपर और काम कर सके, कर्मयोगी बन सके और लोगों तक अपना जो जीवन का जो हमारा उद्देश्य है वो हम पहुँचा सके। तो आने वाले समय में ऐसे हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। उस समय सिर्फ वैल्यू उनकी होगी जिन्होंने इस काम के लिए अपने 90% दिया है, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आने वाले लोग तो अपने आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जो लोग अज्ञानी है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं इस धरती पे, तो हम ज्ञानी है तो हम जो कर सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान को फैला सकते हैं। तो हम अपना 100% लगाना चाहिए और तब हमारे अंदर वो पावर आएगी ताकि हम विश्व को जल्दी से जल्दी बदल सके। परम शांति।